इस फिल्म की कहानी समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बस इसी कारण इस उलझी हुई कहानी को समझने में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आते हैं कहानी पर। फिल्म की शुरुआत होती है एक सुनसान घर से, जहां एडगर नाम का एक इंसान होता है जो कि अपनी अनकॉन्शियस हो चुकी वाइफ को जगाने की कोशिश कर रहा होता है, पर अपनी नाकाम कोशिश के बाद वो खुद भी बेहोश हो जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि एडगर सपना देख रहा होता है। वो थोड़ा टेंशन में होता है और एक अनजान घर के सामने अपनी कार को रोक देता है। एडगर की वाइफ मेलन, जो कि फिलिपिन इमिग्रेंट भी है, वो एडगर से ज़्यादा अपने टीनेज सन गोगन की चिंता कर रही होती है। घर पहुंचकर इन दोनों को पता चलता है कि मेलन का सन, जिसका नाम गोगन है, वो घर पर है ही नहीं। एडगर मेलन को कहता है कि हमें गोगन से थोड़ा स्ट्रिक्टली बिहेव करना चाहिए ताकि वो अपना फ्यूचर अच्छे से बना सके। पर खैर, मेलन एडगर की इन बातों को इग्नोर करती है। थोड़ा समय बीत जाता है और शाम हो जाती है। एडगर डाइनिंग टेबल पर बैठा है। वो सूप पी रहा होता है जो कि मेलन ने उसके लिए बनाया होता है। वो अभी भी खुद के बारे में ही बातें किए जा रहा होता है। वहीं मेलन को सिर्फ गोगन की फिक्र है, जो कि अभी तक घर नहीं आया होता है। सूप खत्म करने के बाद एडगर घर के गार्डन में जाता है, जहाँ पर उसका भाई उससे मिलने आता है। बेंस एडगर से बात कर ही रहा होता है कि एडगर के पेट में दर्द होने लगता है। वो टॉयलेट का दरवाज़ा खोलता है और यहीं पर कहानी का असली रंग हमें पता चलता है कि ये कहानी कितनी कन्फ्यूजिंग है। दरअसल जैसे ही एडगर टॉयलेट का दरवाज़ा खोलता है, वो किसी और ही बिल्डिंग में चला जाता है। वो वापस जाने की कोशिश करता है पर जा नहीं पाता। एडगर चलते चलते एक हॉल में जा पहुंचता है, जहां मुट्ठी भर लोग बैठे होते हैं एक टेलीविज़न की ओर चेहरा करके। टेलीविज़न पर एक अनजान औरत होती है जो कि एडगर को बैठने को कहती है, पर एक भी चेयर खाली नहीं होती। इस जगह तीन मैन कैरेक्टर्स हैं, जिसमें एक का नाम विलियम है, एक का नाम जूलियन है और एक लड़की है जिसका नाम डॉरिस है। डॉरिस पहले तो एडगर को बैठने के लिए चेयर तक नहीं देती, पर जब वो बेचारा ज़मीन पर बैठ जाता है तब वो उसे चेयर दे देती है। एनीवे, टेलीविज़न वाली औरत यहाँ की हेड है, जो कि इस मीटिंग को चला रही होती है। वो विलियम को आगे बुलाती है और उससे वो कहती है कि तुम्हारा इस बार का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तब विलियम बताता है कि उसने कैसे अपने ही माता पिता को बड़ी बेरहमी के साथ मार डाला। यह सुनकर एडगर की हालत ख़राब हो जाती है। अगला नंबर उसका भी आता है, पर उसे पता ही नहीं कि आखिर करना क्या है। इसी सवाल का जवाब देते हुए टेलीविज़न वाली औरत एडगर को रूम नंबर 774 में जाने को कहती है। एडगर जब इस रूम में जाता है, जो कि बेसमेंट में बना होता है, तब उसे वहाँ एक और टेलीविज़न मिलता है, जिसमें एक अनजान इंसान होता है जो उसे बताता है कि एडगर ने अपनी वाइफ का खून किया है और उसके थोड़े टाइम बाद वो खुद भी मारा गया था। ये जगह और कुछ नहीं बल्कि एक ब्रिज है जो मरने के बाद आत्मा को नर्क या स्वर्ग में भेजेगी। एडगर को तो ये याद तक नहीं कि उसने अपनी वाइफ का खून कब और कैसे किया। वो तो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। एनीवे, टेलीविज़न के थ्रू बात कर रहा होता है ये व्यक्ति एडगर को बताता है कि जब तक तुम अपना क्राइम एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तब तक तुम इस बिल्डिंग से यहाँ से नहीं निकल सकते। पर एडगर एक्सेप्ट कैसे करेगा जब उसे पता ही नहीं है कि उसने आखिर किया क्या है। इसी के चलते अनजान व्यक्ति एडगर को इस रूम से बाहर जाने को कहता है और एडगर फिर से अपने ही घर में वापस पहुंच जाता है। वापस आने के बाद एडगर वो सब कुछ भूल चुका है जो कि उसके साथ बिल्डिंग में हुआ था। वो वापस से वही दिन जीने लगता है जब मेलन मरने वाली होती है। एडगर की तबीयत खराब होने लगती है और वो सोफे पर जा लेटता है। वहीं मेलन किचन में जाकर रो रही होती है। एडगर वहाँ आ जाता है और फ़ोन की तलाश करने लगता है, पर मेलन फ़ोन को लेकर भागने लगती है और बाथरूम में जा छुपती है। एडगर फ़ोन को लेने के चक्कर में मेलन का गला रेत देता है और वहीं वो मारी जाती है, और इसके तुरंत बाद ही एडगर भी मारा जाता है। तो मोटा मोटा ये हुआ है कि एडगर को उसकी वाइफ मेलन मारना चाहती थी सूप में पॉइजन मिलाकर, पर उसके पहले ही मेलन मारी गई एडगर के द्वारा, क्योंकि एडगर एम्बुलेंस को फ़ोन करने के लिए फ़ोन के पीछे भाग रहा था, पर गलती से मेलन का गला उससे दब गया और मेलन मारी गई। चूँकि मेलन पहले मारी गई, यानी कि एडगर ने मेलन का खून किया है, इसलिए वो उस बिल्डिंग में है जहाँ पर मर्डरस घूमते रहते हैं। मेलन एडगर को क्यों मारना चाहती थी, ये तो अभी तक एक राज है।
एनीवे, एडगर फिर से उसी जगह पर वापस पहुंच जाता है जहां एक सुनसान घर है और उसके सामने एक पेड़ है। फिर से ये लोग घर पहुंचते हैं, पर इस बार हमें उस दिन के कुछ अलग हिस्से देखने को मिलते हैं जो पहले नहीं दिखे थे। जैसे कि गोगन घर पर आता है और एडगर से बहस होने के कारण वो घर से चला जाता है। मेलन गोगन के पीछे जाती है पर खाली हाथी वापस आती है, और घर आने के बाद मेलन किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है, और तो और उसने अपना एक अलग बैंक अकाउंट भी ओपन करवाया होता है। एनीवे, एडगर को शक हो जाता है कि उसकी वाइफ उसे मारना चाहती है, पर जब भी वो मेलन से वजह पूछता है तब तब टाइम रिसेट हो जाता है। इसका मतलब एडगर इस दिन कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। और तभी एडगर का भाई लैंस भी आ जाता है, जिसे देखने के बाद एडगर को शक होने लगता है कि लैंस और उसकी वाइफ मेलन मिले हुए हैं, उनका अफेयर चल रहा है और इन दोनों ने ही प्लानिंग की होगी उसे मारने की। एडगर को धीरे धीरे सब कुछ याद आता जा रहा होता है जो उस दिन हुआ था। इसी कारण हमें फिल्म के मेकर्स भी उस दिन के बिखरे हिस्से अलग अलग एंगल से दिखा रहे होते हैं। एनीवे, एडगर वापस उसी बिल्डिंग में आता है। उसे वहाँ पर डोरिस भी मिलती है जो एडगर को बताती है कि वो इस जगह पर 1972 से है। इसका मतलब इस जगह समय भी अलग तरीके से ही काम करता है। आगे में पता चलता है कि जूलियन ने अपने ही बच्चों को मार दिया था और इसी कारण वो यहाँ पर है। रही बात डोरिस की, तो उसने खुद को ही मार दिया था, यानी कि उसने सुसाइड किया था। एडगर का मानना यह है कि वो और डोरिस तो इसी जगह पर बिलोंग ही नहीं करते, क्योंकि ये जगह तो खूनी लोगों के लिए है। आगे हम देखते कि एडगर इस जगह से भागने का प्लान करता है। उसके इस प्लान में डोरिस उसकी मदद करती है। एडगर का प्लान ये होता है कि एक सीक्रेट दरवाजे से भागने का, जिसमें वो सफल भी हो जाता है। अब यहाँ से हमें फिल्म के दूसरे कैरेक्टर के साथ क्या क्या हुआ, जैसे कि गोगन, उसके ही स्कूल में परेशान किया जाता था, मेलन और गोगन के बीच हुई बातचीत जिसमें गोगन बताता है कि कैसे एडगर उसे किसी दूसरी जगह पढ़ाई के लिए भेजने वाला है, और कैसे मेलन ने लैंस को घर बुलाया था ताकि वो एडगर को समझा सके। बट एट द एंड मेलन तय करती है कि एडगर को मार देगी जहर से और अपने बच्चे को अपने पास ही रखेगी। आगे हम देखते हैं कि एडगर को अपनी गलती समझ आ चुकी है। अब वो अपनी गलती सुधारना चाहता है, पर उसके लिए देर हो चुकी है। एडगर अपने पास्ट में फिर एक बार जाता है, पर इस बार वो डोरिस को भी अपने साथ खींच लेता है। डोरिस के यहाँ पर आ जाने से मेलन मरने से बच जाती है, पर वहीं डोरिस अपने ही घर पर टेलीपोर्ट हो जाती है जब वो सुसाइड करने वाली थी। डोरिस के पीछे पीछे एडगर भी आ जाता है, और यहाँ पर एडगर खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और डोरिस बच जाती है। इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट टाइमलाइन को, जहाँ पर मेलन और उसका बेटा गोगन एडगर को श्रद्धांजलि देने आए होते हैं। वहीं पर डोरिस भी होती है जो अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। और यहीं पर यह फिल्म ख़त्म हो जाती है दोस्तों। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, मुझे नीचे लिखकर ज़रूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल को बहुत ज़रूरत है। मैं आपको मिलूँगा ऐसी कोई कन्फ्यूजिंग और एक अच्छी फिल्म के साथ। तब तक के लिए बाय।